बांदा में अयोध्या श्री राम मंदिर हुबहू प्रतिरूप सजर पत्थर से बना राम मंदिर जनता दर्शन के लिए रामलीला मैदान पर रखा गया, जहां जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने फीता काट कर जनता दर्शन के लिए खोला और शहर हजारों लोगों ने रामलीला मैदान में पहुंचकर भव्य श्री राम मंदिर के दर्शन कर सजल सिद्धि की सहायता की। आपको बता दें कि सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रामलीला मैदान में पहुंचकर भव्य मंदिर के दर्शन किया। इस भव्य राम मंदिर को बनवाने वाले एवं अंतर्राष्ट्रीय सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मिलित सजल शिल्पी द्वारिका प्रसाद सोनी ने बताया है कि इसको बनाने में लगभग 10 लाख रुपए की कीमत के सदर पत्थर का उपयोग कर एक महीने में प्रयास के दौरान बनाया गया। नया पत्थर बांदा की केन नदी के कुछ क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के प्रयास से आज सदर पत्थर को राष्ट्र ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है। सोनी जी, क्या नाम है आपका? द्वारिका प्रसाद सोनी। सोनी जी, आपके दिमाग में यह कैसे आया कि भव्य राम मंदिर का निर्माण जैसे अयोध्या में हो रहा है वैसा आपने यहाँ पर सजर पत्थर से बनाया? क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, जब कार सेवा में हम लोग गए हुए थे तो वहाँ पे एक कैलेंडर मिला हुआ था श्री रामचंद्र जी का, और उसमें भगवान रामचंद्र जी की जो इस समय मॉडल बना हुआ है बिल्कुल सेम रूप उस समय बना हुआ था। उसके बाद ये हुआ, तमाम प्रकार की बातें होती रहीं, मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, पर मंदिर बना और बन रहा है। अब 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे उद्घाटन करने जा रहे हैं। उसी में मैंने सोचा कि कुछ अलग हट करके, क्योंकि ये जो सजर पत्थर है वो ODOP में शामिल है बांदा से, तो मैंने कहा अलग हट करके कुछ बनाया जाए, तो मैंने फिर सजर पत्थर से राम मंदिर बनाने का प्रयास किया और वो आपके सामने। ये बड़ा भव्य सुंदर राम मंदिर है, ऐसा लग रहा है कि आप देख सकते हैं कि पूरा ऐसा लग रहा है कि साक्षात हम अयोध्या में खड़े हैं और दर्शन भी भगवान के अंदर बड़े सुंदर हो रहे हैं, और मैं आपको दर्शन भी कराऊंगा। आप देख पा रहे हैं कि भगवान राम के बड़ा सुंदर चित्र अंदर है और बहुत ही कठिन परिश्रम। ये तो मैं बांदा के और बामदेव नगरी के समस्त नगरवासियों का स्नेह और प्यार है कि मैं इस मुकाम तक पहुंचा कि मैं राष्ट्रपति पुरस्कार भी मुझे मिला और भारत सरकार के द्वारा मुझे 2 बार विदेश जाने की यात्रा भी सुलभ कराई और वहां मैंने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया। तो ये बांदा की जनता का प्यार है और हमारे जो हस्तशिल्पी सजर के हस्तशिल्पी हैं या उनका स्नेह, तो उस कारण से मैं धीरे धीरे आप सब लोगों के स्नेह से आगे बढ़ता रहा और मैं आज इस मुकाम में हूँ कि भगवान श्री राम जी का मंदिर बना करके मोदी जी को सब प्रेम भेंट करने की एक इच्छा थी।